नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और देखो शाम का नज़ारा कितना प्यारा लग रहा। और मैं जब उस दिन संगम के किनारे गई थी तो वहाँ से मैं सूर्य भगवान के ऐसे करके फ़ोटो मैंने खिंचाई थी। और जब मैं नाव में बैठी थी उसके बाद मैं वहाँ पे जलाई थी दीपक, और दीपक को जला के और उसमें तराए थे जल में। और बेटे से मैंने कहा था अच्छे से वीडियो बनाना, तो यहाँ पे पहले मैं कर रही हूँ आरती। और अगरबत्ती भी थी, बल्कि अगरबत्ती कहते नहीं लगानी चाहिए, बट वो लड़की ने दी थी, मतलब जो देते हैं। और इसको बहते हुए जल में छोड़ रहे थे और उससे कहें अच्छे से बनाना, उसने मेरा चेहरा उसमें दिखाया ही नहीं। और फिर उसके बाद ये संगम का मेन पॉइंट है, जहाँ पे संगम के बीचों बीच में जहाँ धाराएं, तीन धाराएं मिलती हैं, और जहाँ पे तखत को बांध के रखते हैं और चारों तरफ से नाव लगी रहती, लोग बाग नहाते हैं, ये वहीं का है। वहाँ तक हम लोग गए थे नाव में बैठ के और अच्छा लगा। और देखो सारे लोग, कुछ लोग नहा के आए, कपड़े पहन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग हम जैसे लोग हैं, मतलब केवल घूमने के वजह से ही गए हैं। और वैसे हम लोग तो केवल घूमने के वजह से ही गए थे, हम लोगों का तो ऐसा कुछ था नहीं नहाना धोना। और देखो यहाँ पे जब आ गए हैं तो हम जिस नाव में हम थे और इसकी नाव टकराने वाली थी, तो उसने ऐसे मतलब नाव को ऐसे करके थोड़ा सा पुश किया, तो नाव थोड़ा सा उस साइड को घूमी। और देखो यहाँ पे सारे लोग वीडियो बनाते, जैसे मैं बना रही थी वैसे वो भैया भी बैठे हुए हैं वीडियो बना रहे। नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था। और शाम का समय था, शाम के लगभग 4:30 के आसपास समय रहा होगा, 4:30-5 के आसपास का। मुझे बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड आज मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। और ये वहाँ पे दादा जी थे, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, मैं मधुलिका, सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मधुलिका यूपी आरबीएल। और इस टाइम बज रहे हैं रात के, कितना बज रहा बाबू, रात के बज रहे हैं 8, और मैंने बनाई है चाउमीन। और चाउमीन मुझे अपने हाथ की ही अच्छी लगती, बाहर की चाउमीन नहीं अच्छी लगती है। और बिट्टू बेटू, बिट्टू मेरी पी रहे हैं दूध। बिट्टू हाय करो, गलम है बेटू, अच्छा 7:30 हुआ, 100 नहीं। अब बेटू हाय करो, बेटू हाय करो, इधर ए इधर हाय करो, हाय बेटू हाय कर रहे हैं और बिट्टू दूध पी रहे हैं। और देखो आपको दिखाते हैं, ये देखिए बिट्टू ने अपने कपड़े हैंगर में खुद फंसाए, ये देखो तीनों हैंगर में अपने कपड़े फंसा के यहाँ टांग गई है, इनको पहनना, बहुत मस्ती करती रहती। ये देखो ये बाबू, ये मेरे बाबू, ये मेरे बाबू, मस्ती बहुत करती, बहुत ज्यादा। और चाउमीन पक गई है, बस अब खाने का ही टाइम है। और देखो मैं चाउमीन जब भी बनाती हूँ अपने हाथ से बनाती हूँ, मुझे ये चाउमीन अच्छे लगते हैं, जो मार्केट की है वो भी नहीं। और उस दिन हम लोग शादी में गए थे, बाप रे वहाँ की चाउमीन तो थोड़ी भी नहीं। अब इसमें बस मुझे सॉस ही डाल दी, इसमें हमने चाउमीन मसाला भी डाल दिया, एक पैकेट सॉस। और अब इसमें हम डालेंगे, सिर्फ मुझे सॉस डालना रहेगा, बच्चों को खिलाएंगे। देखो बैक कैमरा देखा आपने, देखा खाना रखा हुआ थोड़ा बहुत, और ये बन रहा, यही हम लोग खा लेंगे और खा के सो जाएंगे। आज मेरी भी तबीयत सही नहीं, आंखें बहुत भरी भरी हैं, आज मैं 2-3 बार बहुत रोई हूँ क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कभी कभी। और देखो मेरा चेहरा पूरा रोया हुआ दिख रहा है, कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान की आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, कितना भी रोके उसको मगर नहीं रुकते। कहते ना हम इंसान ही तो हैं, कब तक आंसुओं को रोकेंगे, इतना एक दिन तो सामने आ ही जाएंगे सबके, जाहिर सी बात है। तो बस चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। तो चलिए गाइस, इस मिलते हैं कुछ देर बाद, यानी इसको खाने के बाद, किसको किसको खाना है आ जाइए जल्दी से, चलिए मिलती कुछ देर बाद। और तुलसी जी देखिए, और अभी मैं इसका गमला नहीं ला पाई, ये मुझे कितना अच्छा लग रहा है ना, देखो फूल छूना नहीं चाहिए रात में, मैं छू ले। चलिए गाइस मिलते कुछ देर बाद। ये देखो रेडी है बेटू और बिट्टू के खाने के लिए, वो लोग तीखा नहीं खाते, सिर्फ मीठा ही खाते।
तो गाइस फिर उसके बाद हमने खा लिया, बच्चे भी खा लिए थे, और खाने के बाद फिर जो भी पेंडिंग काम था, ज़्यादा कुछ नहीं थे, बर्तन ही कुछ थे। तो मेरी कल तबीयत कुछ सही नहीं थी, मैं कल दिन में कई बार रोई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो इसके वजह से मैं कल शाम को फिर फ़ोन ही नहीं छुई हूँ। फिर मैं जाके सुबह फ़ोन उठाई हूँ, और यहाँ पर मेरा नहाना धोना हो गया था, बच्चे मेरे उठ गए थे, और क्योंकि मैं तो जल्दी उठ जाती हूँ, मगर जो बेटू बिट्टू हैं वो थोड़ा सा लेट उठते हैं, तो वो लोग लेट उठते हैं, इसीलिए फिर मैं ये बिस्तर मतलब रखने लगी हूँ बाद में। तो यहाँ पे पूजा पाठ सब करने के बाद, और गाइज आज मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ बहुत ही बड़ी बात जो मैंने कंट्रोल किया है, और आज मुझे चौथा दिन हो गया, चौथे दिन से मैंने चाय नहीं पी, और मैं चाय पीना छोड़ रही हूँ। कितने लोग छोड़ना चाहते हैं, वैसे मुझे पहले दिन तो थोड़ा सा लगा कि चाय नहीं छूटेगी, मगर फिर जब मैंने कोशिश की तो मतलब अब चौथा दिन हो गया। एक ऐसे में दिन में कम से कम दो बार तो पीती थी सुबह और शाम, मगर अब कोशिश करती हूँ छोड़ने की चाय, और आज चौथा दिन है मैंने पिया नहीं एक दो बार, क्योंकि मेरी आदत है वही 10-10:30 बजे जब मैं कुछ खा लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे चाय पीने की आदत थी, मगर नहीं अब पी रही हूँ। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा लगता है चाय पिए, मगर नहीं मैंने पिया ही नहीं। और यहाँ पे देखो बेटी और बेटा हैं, अभी इन लोगों को नहलाएं नहीं, क्योंकि ये लोग अभी थोड़ी देर पहले ही सो के जगे हैं। और गाइस आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात कर रही हूँ कि मैं क्यों रोई थी, किस लिए, क्योंकि कल आप लोगों ने कल की वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया। कभी कभी हालात के साथ इंसान इतना मजबूर हो जाता कि उसके आंसू आ ही जाते, आखिर में इंसान है कितना सहेंगे। हम अपनी बात करें, हर एक औरत की बात करें, चाहे औरत हो या आदमी हो, कोई भी हो, कितना कोई सहेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं बॉयज़ के बारे में नहीं कर रही हूँ, मतलब कि जेंट्स के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, उनके बारे में, क्योंकि भाई हम इंसान ही हैं ना। तो कभी कभी मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, और कल मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ और बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और बस अपने आप को कोस रही थी, और अपने भाग्य को लेके, और अपनी कुछ ज़रूरतें होती, कुछ ख्वाहिश होती इंसान जो देखता है शादी के पहले, और फिर उसके बाद कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं कही जा सकती YT पे, बस ऐसा ही कुछ जान लीजिए। तो कुछ होती हैं, हर एक इंसान की फीलिंग होती है कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मगर वैसा कुछ नहीं होता, सब उसके अपोजिट होता है, जो भी सोचो सब उसके विपरीत होता है। तो बस थोड़ा सा मन उदास रहता है उसी में, मगर खैर कोई बात नहीं, हम औरतें ऐसी होती हैं, थोड़ा सा अपने आप में ही कष्ट होता है, अपने आप को ही समझाती हूँ, फिर अपने आप से ही सवाल करती हूँ, फिर अपने बच्चों में व्यस्त हो जाती हूँ, मुझे और किसी चीज़ की परवाह ही नहीं रहती, यहाँ तक कि विश्वास नहीं मानोगे मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं किसी के पास कॉल करूँ। मैं सारा दिन काम करती हूँ, सारा दिन 8-to-Z लेके जो भी काम है सब मैं ही देखती हूँ, बच्चों का क्या लाना क्या नहीं, साग सब्जी जो कुछ है सब आप लोगों के साथ। तो मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर करती हूँ रोज़ की, कि मैं कैसे रहती हूँ, और उसके बाद जब बेटू बिट्टू उठ गए हैं, अच्छा पहली बार मैं जब उठती हूँ तो सुबह झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि ऐसे खाली नहीं छुट्टे काम करने चाहिए, और बिस्तर उस्तर सही कर दें। अब झाड़ू भी लगाने के बाद अब ये पोछा ओछा है, तो यही बच रहे होंगे सुबह के लगभग 8:30 का टाइम होगा, क्योंकि आज मेरे बच्चे जल्दी जग गए थे, मैंने उनको जल्दी जगा दिया था। तो फ्रेंड आप बताइए, किसी के ऊपर विश्वास करके और इंसान को अगर धोखा मिले तो वो इंसान कैसे रहेगा, और लोग बाग तो बहुत परेशान रहते हैं। तो फ्रेंड कल की वीडियो में मैंने बताया था सारी बातें कि ऐसा ऐसा हुआ, तो बहुत लोगों ने कहा कि उनको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, दूसरी शादी कर ले। कैसे कोई दूसरी शादी कर सकता है, आप ही बताइए, वो बच्चे का क्या होगा, बच्चा कौन देखेगा। जब इंसान दूसरी शादी करेगा तो उसके बच्चे को कौन होगा, जब इंसान को पहले हस्बैंड से उसको सुख नहीं मिल रहा तो क्या दूसरे आदमी से उसको सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ यह है, प्यार तो उसने किया है भाई, प्यार किया है, पहली बार किया है, और उसका प्यार प्यार था, अब सामने वाला का प्यार दिखावा था, तो इसमें
उसकी क्या दोष है, क्या कहा जाए फ्रेंड, कुछ समझ में नहीं आता है। और देखिए यहाँ पे कपड़े वगैरह मैंने धुल लिए थे, मतलब सारा काम हो गया, तो यहाँ कपड़े फैला रही थी। और फ्रेंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अच्छा बिट्टू और बेटू के 2 दिन की यहाँ बनियाइन थी, और बिट्टू भी देखो नहा धुल के राजा बेटा बन के बाहर खेलने आई, और मैंने अपने बालों में अभी कंघी नहीं की थी, ऐसे ही बालों में क्लेचर लगा लिए हैं। तो गाइस प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए क्या किया जाए, मतलब किसी के ऊपर विश्वास तो नहीं करना चाहिए। आज के युग में लड़कियां बहुत जल्दी विश्वास कर जाती हों, और ऐसे ही धोखा मिलता है लाइफ में। और कहते हैं जब एक बार धोखा मिल जाता है तो इंसान दूसरे को समझाता कि ऐसी गलती मत करो, मगर हाँ बच्चों के साथ खुश रहती है। एक माँ कुछ भी करे मगर अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं करते हुए देख सकती, कभी दुख नहीं। और देखिए यहाँ पे बच्चे हमारे खेल रहे थे, और एक सामने वाले के बच्चे थे, और बेटू बिट्टू भी मस्ती से सब खेलने में पड़े हुए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और देखो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ का पूरा नज़ारा आपको दिखा दी, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से जस्ट बस मेन रोड सामने से दिखती है। और यहाँ पे देखो मैं कपड़े भी फैला रही थी। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, और कल मिलते एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, और चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैं कल मिलती हूँ एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और हाँ फ्रेंड अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और बिट्टू बहुत मस्ती कर रही, बिट्टू मेरी ऐसी ही मस्ती करती रहती, और आप